हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। दोस्तों, मैंने आज ये सेशन, ये मेरा ऑफिस में है ये सेशन मेरा, आज ये सेशन मैंने इसलिए रखा है बेटे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो जीसीसी में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच के हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज बैच के हैं, चाहे वो हमारे ऑफलाइन बैच में है, ऑनलाइन बैच में है, किसी भी बैच में है अगर, तो बेटे आज से आपके डेली टेस्ट हैं। आज 7 मई है, 7 मई से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बेटे, जीसीसी में टेस्ट होंगे आपके, चाहे उसमें मैकेनिक्स का टेस्ट हो, चाहे आपका रीजनिंग का टेस्ट हो, चाहे क्वांट का टेस्ट हो, मैथ का टेस्ट हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट हो, कंप्यूटर का टेस्ट हो, ठीक है, आईपी के फुल लेंथ के टेस्ट हो, स्लाइड का पेपर आ रहा है तो स्लाइड के फुल लेंथ के टेस्ट हो, आपका सीवीटी के जो पेपर आ रहे हैं सीवीटी के फुल लेंथ के टेस्ट हो, डेली टेस्ट होंगे बेटे। जिन बच्चों ने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया था तो भाई वो देना अब से स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, जो जीसीसी में पढ़ रहा है, उसको दोबारा टेस्ट वो नहीं मिलेगा। तो डेली बेसिस पे टेस्ट है, टेस्ट ही हमें मजबूत बनाएगा बेटे, टेस्ट ही हमें बताएगा कि हमारा कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है बेटे, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। मैंने ऐसे कैलेंडर हर बच्चे को दिए थे, ये वैसे ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, उसमें डेट लिखी हुई थी बेटे कि 7 तारीख को क्या डेट है, 8 को क्या है, 9 को क्या है, तो मैंने उनको बोला था 7 को क्या काम करोगे लिख देना। टेस्ट दिया, टेस्ट में इतने क्वेश्चन मैंने किए, उसमें मेरे मार्क्स इतने आए, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है बेटे, ठीक है बेटे। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, इस 2-3 मिनट का मेरा मैसेज है, आपने थंबनेल में देखा होगा इंपॉर्टेंट मैसेज बाय नवीन मुंजाल सर फॉर ऑल डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉर ऑल जो लीड के एस्पिरेंट हैं, उन सबके लिए है बेटे, जो चाहते हैं कि उनको डीटीयू जैसा कॉलेज मिले, जो चाहते हैं उनको टॉप का कॉलेज मिले, जो चाहते हैं बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि जो चाहते हैं कि मुझे सबसे बढ़िया, मान लो अभी यार जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो जेईई लीड के तो हम फुल लेंथ के पेपर नहीं ले पाए, रीजन है उसका रीजन ये बेटे क्योंकि सिलेबस ऑन द गो थ्रू कर रहा है, लेकिन आज से डेली टेस्ट है बेटे, मतलब आपके पास अभी 7 मई से लेके 15 मई की टेस्ट का शेड्यूल है। आज आरएस मतलब जो आरसीआरटी एससीआरटी रीजनिंग स्पेशल क्लासरूम टेस्ट जो है आज 7 है ना, 7 तारीख है, फिर 8 होगा कल, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे 15 तारीख, बीच बीच में क्वांट के आ जाएंगे, बीच में आपके मैथ्स के आ जाएंगे। तो बेटे सभी को हम अभी तो सब्जेक्ट वाइज ले रहे हैं, आने वाले समय में दो दो तीन तीन सब्जेक्ट को मर्ज करेंगे, आने वाले समय में जैसे 12 जून को सब बच्चों को पता है कि स्लाइड लीड का पेपर है, अगर उसकी डेट चेंज नहीं होती तो फुल लेंथ के ग्रुप ए और ग्रुप बी के फुल लेंथ के पेपर भी होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रखा होगा, मैकेनिकल पूछ रखा होगा, ठीक है बेटे। तो आप सभी दोस्तों को मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं कि हमें पता है कि यार हम पढ़ कुछ और रहे थे, सिलेबस अब कुछ और आ रहा है, जो यूपी वाले स्पेशली बच्चे हैं, है ना, या अभी हरियाणा वाले बच्चों को टेंशन हो रही है कि हमारा पता नहीं क्या होगा, पीयू लीड के फॉर्म कब निकलेगा। अरे मैं आके खुद बताऊंगा यार आपको, मैं आके खुद बताऊंगा, आप अपना काम तो करिए। दिल्ली के बच्चों की मजबूरी है कि उनके एग्जाम चल रहे हैं, पर उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि उस पेपर को ओपन तो कर लें कम से कम, और डेली बेसिस पे लिखें। अगर आप 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट निकाल सकते हैं डेली के तो क्या दिक्कत है, ठीक है। सभी बच्चों को बेटे, चाहे वो टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, रिकॉर्डेड बैच, कुछ भी है, आज ये मैसेज मेरा क्लियर होना चाहिए कि आज से जब तक आपके लीड के एग्जाम नहीं होंगे, डेली पेपर होंगे यहां पर जीसीसी में। तो जीसीसी के किसी बच्चे को कोई भी पेपर नहीं छोड़ना है, ऐप पे ही पेपर होंगे बेटे, आपको सारे के सारे पेपर, अगर मैंने कोई सीयूटी बैच में है तो सीयूटी बैच में आएगा उसका पेपर, कोई रिकॉर्डेड बैच में है तो रिकॉर्डेड बैच में आएगा, कोई टेस्ट सीरीज बैच में है तो उसका पेपर टेस्ट सीरीज बैच में आएगा, सभी के पेपर आएंगे, डेली आएंगे, शाम को 5 से 11 बजे के बीच में टाइम रहेगा आपको पेपर देने। मैंने बोला था एग्जाम जो है हमें मजबूत बनाते हैं, एग्जाम से हमें पता लगता है कि हम कहाँ हैं, एग्जाम से हमें पता लगता है कि हमें और क्या करना है, क्या नहीं करना है,
मैं ज्यादा हिल डुल रहा हूं तो मेरे को क्षमा करना, मेरे को आदत नहीं है खड़े होके ऐसे बोलने की बेटे, ठीक है। मैं आराम से लैपटॉप पे बैठता हूं और तब बातचीत करता हूं। आज पहली बार मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑफिस में ही कर रहा हूं कि भाई मैं खड़ा होके बातचीत करता हूं। जैसे बेटे पुष्पा मूवी में वो झुकने वाला जो उसका पॉजिटिव लो कि हम भी झुकेंगे नहीं, हम भी लड़ते रहेंगे, हार के बैठेंगे नहीं, हम फाइट करते रहेंगे। विवेकानंद जी की वो बात याद करो कि भाई जब तक नहीं रुकना, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, तो तुम भी भाई तब तक लगे रहो और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में जाके ही सांस लो। कितना अच्छा लगता है, जैसे स्लाइड में कितने सारे बच्चे गए और उनकी फीस नहीं लग रही, कितना अच्छा लगता है जब वो अपनी फोटोज या वीडियो हमें शेयर करते हैं कि मुझे ये वाइस चांसलर से इनाम मिल रहा है ना, स्लाइड के वाइस चांसलर ने ये प्राइज दिया है जैन साहब ने, और बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे वहां पे अलग अलग, अभी पीछे भी टेक्निकल फेस्ट था वहां पे, तो बच्चे वहां पे प्राइज जीतते हैं। या डीटीयू में जो बच्चे थे, जैसे अपना हर्षित है, उसने पूरी सिविल जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी वहां पे, जो सिविल सोसाइटी इंजीनियर्स के लिए है, उसका वो प्रेसिडेंट था। तो कितना अच्छा लगता है जब डिप्लोमा के बच्चे इस तरह से लीड करते हैं। जब डिप्लोमा के बच्चे मैं बोलता हूं तो दिल से बोलता हूं कि डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, आपके लिए बेटे कोर्ट में गए हुए हैं, आपके लिए बेटे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगे, बेटे बस आपका एक ही काम है, वो ये है कि आप पढ़ते रहो, बस दबा के मेहनत करते रहो। आपका कंपटीशन बाहर कहीं नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। अपना डेली का देखते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको अपडेट करते रहो, ठीक है। और मैं इस वीडियो में जिन बच्चों ने अभी तक, चाहे वो बैच 1, 2, 3 के पेपर नहीं दे रहा था, तो वो आज से पेपर देना शुरू करें बेटे। आज से डेली आपका पेपर है आपके पास। मुझे पता है शेड्यूल जो है वो रीजनिंग का है, आपको क्वांट का भी मिलेगा। किसी दिन ऐसा भी होगा कि 2 पेपर होंगे, किसी दिन ऐसा भी होगा कि 3 पेपर हो जाएंगे, लेकिन वो पेपर 20-30 मिनट के होंगे, वो बड़े आराम से आप दे पाएंगे। फुल लेंथ के पेपर भी होंगे, स्लाइड वाले बच्चों के पेपर भी होंगे। तो आज आपको टेलीग्राम पे आगे के जो एग्जाम है उनका भी शेड्यूल मिल जाएगा बेटे। जैसे रीजनिंग का आपको 15 तारीख तक का शेड्यूल है, ऐसे बेटे आगे भी आपको एग्जाम का शेड्यूल मिल जाएगा। डेली बेसिस पे टेस्ट है आपके। मेरा यही मैसेज था, बस पढ़ते रहो और अपना माता पिता का और खुद का एक अच्छी जगह पे जाके अपना नाम रोशन करो। इंस्टीट्यूट का तो होगा ही होगा बेटे। बस आपको लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि भाई पॉजिटिव एनर्जी के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को कि मैं पढ़ पाऊं 6 घंटे 7 घंटे डेली बेसिस पे करने के लिए, बस परमात्मा से शक्ति मांगे करो। जैसे मैं मांगता हूं ऐसे आप भी मांगे करो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेम में एक फोटो भी आ रही है, एक स्टूडेंट ने बनाई थी, आपको बता देता हूँ। थैंक यू बेटे, ओके बेटे।